हर वो चीज जिसकी इस्लाम ने हुर्मत रखी है या हिल्लत रखी है, अगर उसको परमिसिबल किया है इस्तेमाल के लिए या करने के लिए, या उसको फॉरबिड किया है, जिसको हम हराम कहते हैं और एक को हम हलाल कहते हैं या जायज कहते हैं, उसके अंदर नफा होगा रूहानी जिस्मानी इज्तिमाई इंफरादी, और दफो जरर उसके अंदर इंसानियत का नुकसान दूर करना मुराद होगा, तभी वो हराम हो रही होती है और तभी वो हलाल हो रही है। तो तिजारत के लिहाज से भी हम यही उसूल और कायदा पढ़ेंगे कि वो चीजें जिसका शरीयत का मकासद फुलफिल कर रही हो, लोगों का फायदा हो रहा हो, नस्ल की हिफाजत हो रही हो, स्पिरिचुअलिटी की हिफाजत हो रही हो, अकल की हिफाजत हो रही हो, और नस्ल की हिफाजत हो रही हो, और माल की हिफाजत हो रही हो, और जान की हिफाजत हो रही हो, तो हम उसको हराम क्यों कहेंगे मेरे भाई, जब उसका नुकसान कम होगा और नफा ज्यादा होगा तो उसकी इजाजत मिल जाएगी शरीयत में। शरीयत सिर्फ उस चीज को हलाल नहीं करती जिसमें सिर्फ फायदा होता है, शरीयत उसको भी इजाजत दे देती है जिसमें थोड़ा नुकसान होता है मगर उसका फायदा उसके नुकसान से ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज में कुल्ली लिहाज से खैर है और एक लिहाज से उसमें कुल्ली लिहाज से शर है। मिठाई खाना अच्छी चीज है, शुगर के पेशेंट के लिए नहीं, गारंटी।